नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। ताल ताल रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। देखिया पहले गई थी, एक दिया तैयार रखियो। नॉन स्टॉप काम में लाग रहे हैं दोनों, बस इसलिए छोड़ के दो, खाना भी खा लियो। मतिया दिवाओ पुराने दिन मा वो है बिना बिजली के दिन रात। ये बिजली भी से नॉन स्टॉप, और तू बकवास ना कर, खाना खा ले चुपचाप। माँ की नॉन स्टॉप डांट सुनने से अच्छा है खाना खा ले भाई। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। भिवानी नगर परिषद उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास, 28 के 28 वोट उप प्रधान सत्येंद्र मोर के खिलाफ पड़े। भिवानी नगर परिषद के 31 में से 28 पार्षद मौके पर मौजूद थे, जिनमें सभी 28 के 28 वोट उप प्रधान सत्येंद्र मोर के खिलाफ पड़े हैं। एसडीएम की मौजूदगी में मतदान के पक्ष में सभी पार्षद सहमत दिखे। एसडीएम ने सभी पार्षदों से मंत्रणा करने के बाद मत के लिए स्वीकृति दी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय पहले नगर पार्षदों ने हल्फिया बयान देकर डीसी भिवानी को वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास जताया था, जिसके बाद उपायुक्त ने 16 अगस्त को वोटिंग की तारीख तय की थी। आज दोपहर डीआरडीए हाल में एसडीएम की मौजूदगी में वोटिंग भी हुई, इसमें अविश्वास जाहिर किया गया। अब नगर परिषद भिवानी का अगला वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज पास हो गया है। हम ये कह सकते हैं 28 पार्षद मौजूद थे और 28 की 28 ने ही उनके खिलाफ अविश्वास का मत दिया है। उन्होंने हम ये भी कह सकते हैं ये सारा गुप्त मतदान था। गुप्त मतदान के दौरान सभी ने अपने वोट का जो इजहार किया, जो मतदान किया, वो गुप्त होते हुए भी अविश्वास के प्रति खिलाफ गया है। अब आने वाले समय में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन कौन बनेंगे, किसके पक्ष में नगर पार्षदों का रुझान रहेगा, ये समय बता। परिषद वाइस चेयरमैन के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। 28 नगर पार्षदों ने हिस्सा लिया और 28 के 28 वोट उनके खिलाफ गए हैं। हमारे साथ नगर पार्षद बिल्लू बादशाह मौजूद हैं, जिनका एक हम यूँ कह सकते हैं नगर परिषद में एक अच्छा खासा नाम है। बिल्लू जी क्या कहना चाहेंगे आज के जो इस प्रकार का हुआ, कितने पार्षदों ने भाग लिया? पार्षद 28 पहुंचे थे हाल के अंदर और 28 के 28 ने मत जो है उनको हटाने में किया है। और थोड़े से दुख की बात है कि हमारा एक साथी के साथ आपस में उनका सबका मत जो है गिराने का हो गया था, तो बस दुख की बात है और कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो चीज होती रहती है। ये जो मतदान हुआ ये गुप्त में हुआ, गुप्त रूप में हुआ या खुले में कोई वोटिंग हुई? वोटिंग हुई है जी, खुल के वोटिंग हुई। हाँ हाँ, और या ना लिखने का बस दो ही प्रस्ताव थे, या तो हाँ लिखो या ना लिखो। तो इसमें प्रशासन की तरफ से कौन मौजूद थे? फिलहाल एसडीएम साहब मौजूद थे, उनकी ही देख रेख में सारा ये काम हुआ है। आज 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे जो नगर परिषद भिवानी के उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया था, उस संबंधी बैठक हुई और उस बैठक में 28 नगर पार्षदों ने भाग लिया, उपस्थित रहे। और हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स और हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत सीक्रेट वोटिंग उनकी करवाई गई, वोटिंग की काउंटिंग की गई और काउंटिंग के बाद जो भी अविश्वास प्रस्ताव को पास करने बारे, पारित करने बारे जो मतों की आवश्यकता है 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स की, वह आवश्यकता पूरी हुई। 28 नगर पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में वोटिंग करी और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव आज नगर परिषद भिवानी के उप प्रधान के खिलाफ पारित हुआ। नहीं, बैठक का स्पेसिफिक एजेंडा सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में था, आगामी कोई भी कार्रवाई उसमें ना तो डिस्कस की गई ना निर्धारित की गई। काजल डोरे मैं तो तन मन, चार बोतल बिके कोनी परते आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू असड़ लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जी जी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा?
तो बता क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।